सो हे आर सम वर्ड फ्रॉम द हिंदू द फर्स्ट वर्ड इज स्पेट स्पेट मीन्स ए लार्ज नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग हैपनिंग एट वन टाइम मतलब एक ही समय पर कई घटनाओं का होना एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बोस्टर बोस्टर मीन्स टू सपोर्ट और एनकरेज समबड़ी मतलब किसी को सहयोग देना और किसी को प्रोत्साहन करना कोई कार्य करने के लिए एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अम बैटल्ड अम बैटल मीन्स इन्वॉल्व इन और प्रिपेयर फॉर वॉर मतलब इन्वॉल्व होना और प्रिपेयर रहना किसी वॉर के लिए स्पेशली उस समय जब हम किसी सेना की टुकड़ी से गिरे हुए हों एंड द नेक्स्ट वर्ड इज वैरले वैरले भी स्मोकिंगली और अम्यूजिंगली इन्हें आयन के लिए किसी का मजाक उड़ाना uh, मतलब uh, मजाक उड़ाना uh, uh, व्यंगात्मक वेंगात, रूप में एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बिक्रिंग बिकरिंग मीन्स टू आर्ग्यू अबाउट अन इम्पोर्टेंट थिंग्स मतलब बहस करना किसी अनइम्पोर्टेंट जो मतलब आवश्यक ना हो जो चीज़ें मतलब अन ट्राइबल इशूज मतलब जो लिटल इंपोर्टेंस रखती हों जिनका कोई महत्व ना हो एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पेंसेशन डिस्पेंशेशन मीन्स एग्जेम्पन फ्रॉम ए रूल और यूजुअल रिक्वायरमेंट मतलब किसी को छूट दे देना किसी रूल को ना मानने के लिए मतलब किसी को बाध्य ना करना कुछ मान, मानने के लिए एंड द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोट्यूबेरेंट प्रोट्यूबेरेंट मीन्स प्रो प्रो प्रोट्यूडिंग्स एंड बल्गिंगली मतलब उभर कर आना एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डैशिंग डैशिंग मीन्स टू गो समे सडनली एंड क्विकली मतलब कहीं चले जाना अचानक से और क्विकली